मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बच्चे के पास बचपन में एक ना एक डॉल तो जरूर होती है। अपने खिलौने से खेलते हुए बच्चे अपनी डॉल का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और कई बार उससे एक दोस्त की तरह बातें करने लगते हैं। ऑब्वियसली इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन अजीब बात तो तब हो जाती है जब वो डॉल पलट कर जवाब देने लगे। क्यों, डर गए ना? आज मैं आपको जिन डॉल्स के बारे में बताने वाली हूँ, उन्हें बात करते हुए, घर में घूमते हुए और यहाँ तक कि लोगों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स के बारे में। नंबर 5, मैंडी द हॉन्टेड डॉल। ये बात है साल 1991 की। कनाडा में रहने वाली एक महिला को अपनी दादी के घर की सफाई करते हुए एक डॉल मिली। ये पोर्सेलिन की बनी हुई थी और इसके चेहरे पर क्रैक्स भी थे। वो डॉल खेलने लायक नहीं थी, इसलिए उस महिला ने इस डॉल को अपने घर की बेसमेंट में रख दिया। इसके बाद तो हर दिन उन्हें आधी रात को बेसमेंट से किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। ये देखते हुए उन्होंने इसे कनाडा के क्वेश्चनल डॉल म्यूजियम में डोनेट कर दिया और ये आज भी वहीं रखी हुई है। इस डॉल ने अपनी गोद में एक लैम्प को भी पकड़ा हुआ है। म्यूजियम के ओनर्स कहते हैं कि कई लोगों ने इस लैम्प को अपने आप ग्लास केस से बाहर आते हुए देखा है। अगर वो इस डॉल को दूसरी डॉल्स के साथ रखते हैं, तो ये डॉल उन सभी डॉल्स को रातों रात दूर फेंक देती है। म्यूजियम में काम करने वाले लोगों का खाना भी गायब हो जाता है और वहाँ पर आने वाले लोग कई बार इसकी फोटो लेते समय कैमरा खराब होने की बात भी कहते हैं। नंबर 4, द हॉन्टेड गैंग। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आपके पास जो डॉल है उसमें किसी मरे हुए इंसान की आत्मा बसती है, तो आप उसे जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर फेंकना चाहोगे। लेकिन इंग्लैंड में रहने वाले यन रॉजर्स ऐसे नहीं हैं। उनके पास 9 डॉल्स का कलेक्शन है जिन्हें हॉन्टेड माना जाता है। रॉजर्स के अनुसार इनमें से हर एक डॉल में एक मरे हुए इंसान की आत्मा बसती है और इनकी स्टोरी भी अलग अलग है। उन्होंने इन डॉल्स का नाम एनाविल, जॉकलिन, हैरियट, हुवर्ड, सारा, एस्मे, मैक्स, सिमोन और द पपिट रखा है, जो उन लोगों के नाम थे जिनकी आत्मा इनके अंदर बसती है। रॉजर्स ने अपने पूरे घर में कैमरा लगाए हुए हैं, जो 24 घंटे इन डॉल्स पर नजर रखते हैं। इन कैमराज में कई बार बहुत ही हॉन्टेड सीन्स कैप्चर हुए हैं। नंबर 3, लेटा द हॉन्टेड डॉल। इस डॉल को लेटा मी आउट के नाम से भी जाना जाता है। 200 साल पुरानी ये डॉल एक छोटे बच्चे की साइज की है और देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। ये लकड़ी की बनी हुई है और इसके बाल असली इंसान के बाल से बने हैं। 1970 के दशक में कैरी वॉल्टन नाम की एक इंसान ने इसे ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान पड़े घर में ढूंढा था। कुछ ही दिनों बाद वॉल्टन ने नोटिस किया कि उनके घर की चीजें अजीब ढंग से अपनी जगह से गायब मिलती हैं और फर्श पर खरोचने के निशान भी बन गए हैं। वॉल्टन के बच्चों ने रात के समय उसे हिलते हुए और बात करते हुए देखा था। डॉल के पास जाने पर उनके डॉग्स भी अजीब बिहेव करने लगते थे। वॉल्टन ने एक बार इस डॉल को बेचने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो तमाम कोशिशों के बाद भी उसे अपनी कार से निकाल नहीं पाया। इसलिए आज वो इस डॉल को ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में लेकर जाते हैं और लोगों को इसके साथ फोटो लेने का डेयर चैलेंज देते हैं। नंबर 2, एनाबेल। दोस्तों, ये डॉल इतनी फेमस है कि आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ये डॉल साल 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उनके पेरेंट्स ने दी थी। डोना अपनी एक दोस्त एंजी के साथ हॉस्टल में रहती थी। उन दोनों ने कई बार इस डॉल को चलते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि इस डॉल को इसी तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन समय के साथ ये डॉल उनके लिए खतरनाक बनती गई। वो डोना और एंजी के दोस्तों पर हमला कर देती थी। कई बार उन्हें डॉल के पास कागज मिलते थे जिनमें वो डॉल उनसे मदद मांगती थी। एक तांत्रिक औरत ने उन्हें बताया कि इस डॉल में एनाबेल नाम की लड़की की आत्मा है। बस इतना सुनते ही उन दोनों ने इसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरन को दे दिया और आज भी
ये उनके पास एक ग्लास केस में बंद रखी हुई है। इस डॉल पर मूवी भी बन चुकी है जो काफी डरावनी है। नंबर 1, रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल। ये एक 3 फीट लंबी डॉल है। कहते हैं कि ये डॉल रॉबर्ट यूजीन जीन ऑटो नाम के फ्लोरिडा के एक आर्टिस्ट की थी। इसके बारे में 2 स्टोरीज पॉपुलर हैं। पहली स्टोरी में कहा गया है कि इस डॉल को उनके दादाजी जर्मनी से लाए थे, तो दूसरी स्टोरी में बताया गया है कि ये डॉल उस घर में काम करने वाली मेड ने दी थी जो उस घर के लोगों से नफरत करती थी। रॉबर्ट यूजीन बचपन से ही अपनी हर गलती का आरोप रॉबर्ट डॉल पर डाला करते थे। वो कहते थे कि ये सारी गलतियां डॉल ही करती है और उनकी जिंदगी में हुई हर बुरी घटना डॉल के कारण होती है। रॉबर्ट के घर वालों ने कई बार उन्हें डॉल से बात करते हुए देखा था और पड़ोसी उसे चलते और खिड़की से झांकते हुए देखने का दावा करते थे, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से ये डॉल जिंदगी भर रॉबर्ट के साथ ही रही। रॉबर्ट के मरने के बाद उनका घर बेच दिया गया। आज रॉबर्ट द हॉन्टेड डॉल अमेरिका के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी गई है। कहते हैं कि अगर आप इसकी फोटो खींचना चाहते हो तो आपको एक कागज में अपनी रिक्वेस्ट को लिखकर इसके पास चिपकाना होगा। ऐसा ना करने पर आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल मिस्ट्री एंड फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।